वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते फिर से गिरावट नजर आ चुकी थी रिलायंस स्टॉक में और फिर से यहाँ पे ट्री लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका था रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज ओपन हुआ था 3.05 पे, हाई बनाया था 3.10 का और लो बनाया था 2.95 का। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते थ्री लेवल पे आज फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक। तो आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कल के दिन में थ्री लेवल को फिर से ब्रेकआउट देता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में। मार्केट कैप भी देख सकते हो 826 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक का। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो एक अच्छा रिवर्सल किया था, एक अच्छा बाउंस बैक किया था, पर यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देख सकते गिरावट नजर आ चुके और यहाँ पे चौपी से मूवमेंट हो चुकी है। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 6% से ज्यादा गिरावट हो चुके रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के अंदर। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते जो ब्लैक कलर की लाइन थी वो 20 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे में उसका सपोर्ट ले रहा था, पर उसको उसी सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया है। तो रिसेंटली वो सपोर्ट अभी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का काम करेगा रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेस बना है 2.85, तो वहाँ तक आने के चांसेस है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।